दोस्तों, कमागणी आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए भिंडी की सब्जी की रेसिपी। सबसे पहले मैंने भिंडी को धो के पोंछ लिया है। फिर इस तरह से हम बीच में चीरा लगाएंगे भिंडी के, और इस तरह से देखेंगे ताकि ख़राब तो नहीं है भिंडी। फिर इस तरह से बीच में से काट देंगे, एक भिंडी के चार हिस्से कर देंगे। आप देख सकते हैं सारी भिंडी काट ली है मैंने। अब कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच सरसों ऑयल अच्छे से गर्म कर लिया है। इसमें डाल रही हूँ मैं 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच सौंफ मैं डालूंगी इसमें, 1 पिंच हींग और 1/2 चम्मच अजवाइन। अजवाइन से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप डाल के देखिए ज़रूर। और मैं डालूंगी इसमें 8 से 10 कड़ी पत्ते। फिर 1 हरी मिर्च को मैंने लंबा लंबा काट के डाला है। अब इसको अच्छे से चलाएंगे हम। हमें मिर्ची को हल्का हल्का ब्राउन हो तक भूनना है। मिर्ची भुन चुकी है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ भिंडी। ने भिंडी डाल दी इसमें, अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे सपोर्ट करें प्लीज़। भिंडी अच्छे से मिक्स हो चुकी है ऑयल में, अब मैं इसको ढक दूंगी 2 मिनट के लिए। दो मिनट हो चुके हैं, अब आप भिंडी को चलाएंगे हम इसको, ताकि चिपके नहीं, भिंडी जले नहीं। हमें लो फ्लेम पे ही बनाना है इसको, हाई फ्लेम ना रखें, नहीं तो हमारी भिंडी कच्ची रह जाएगी और जल जाएगी। फिर मैं डाल रही हूँ इसमें 1/2 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच लाल मिर्च। मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम ज़्यादा। मैं डालूंगी इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर। इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। आप एक बार इस तरह से भिंडी की सब्जी बना के देखिए, आपको आप बार बार बनाओगे सब्जी को, बहुत अच्छी लगती है। बच्चे बड़े सब इसको बहुत अच्छे से पसंद करते हैं और बहुत अच्छे से खाते हैं। पेट भर के खाना खाया खाते हैं हमारे बच्चे तो इनसे। तो आप भी एक बार ज़रूर बनाइए, रोटी पराठा किसी के साथ भी खाइए, बहुत अच्छी लगती है। मसाला आप देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसको फिर से ढक दूंगी 2 मिनट के लिए। दो मिनट हो चुका है, अब फिर से अच्छे से मसाले भिंडी को हलाएं, अच्छे चलाएंगे ताकि हमारे मसाले चिपके नहीं। मैं डाल रही हूँ इसमें छोटे वाली चम्मच होती है वो, 2 चम्मच बेसन। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। मैं डाल रही हूँ इसमें 1 से 1 चम्मच नमक, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर से इसको ढक के 2 मिनट के लिए पकाऊंगी। 2 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं भिंडी एकदम पक चुकी है हमारी। इसका कलर भी एकदम परफेक्ट कलर है, इसका कलर चेंज नहीं हुआ एकदम। मैं डाल रही हूँ इसमें 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। सब्जी बन गई एकदम से, तैयार हो चुकी है हमारी सब्जी बन के। आपके पास अगर हरा धनिया तो आप वो भी डाल दें, मेरे पास नहीं था। सब्जी बन चुकी है, आप देख सकते हैं दिखने में कितनी टेस्टी लग रही है। आप इसे पराठे के साथ, रोटी के साथ, किसी के साथ सर्व